रेनडियर आर्कटिक और उप आर्कटिक के बर्फीले प्रदेश में पाए जाने वाला एक हिरण की प्रजाति है। इसको कैलब के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसकी प्रजातियां बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस जानवर की विलुप्ति का कोई खतरा नहीं है, पर फिर भी इसकी दो प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस खूबसूरत जानवर के बारे में। रेनडियर का रंग और आकार स्थान के अनुसार डिफरेंट होता है। नर और मादा दोनों के सिंग होते हैं, लेकिन मादा की तुलना में नर के सिंग बड़े होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिसमें मादा के सिर पर सिंग नहीं होते हैं। रूस की एवेंको जाति के लोग रेनडियर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वे लोग रेनडियर का दूध पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके खाल के कपड़े और जूते पहनते हैं, और यहाँ तक कि बर्फीले प्रदेश में स्लेज करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। रेनडियर का शरीर मनुष्य द्वारा इसके सिंग, मांस और खाल के लिए किया जाता है। रेनडियर आर्कटिक टुंड्रा, उत्तर यूरोप, कनाडा और अलास्का के बोरियल जंगल में पाया जाता है। इस हिरण की प्रजाति के शरीर के कई सारे हिस्से ऋतु के परिवर्तन पर बदलते रहते हैं, ताकि वो सर्दी और गर्मी दोनों में आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। रेनडियर की कुछ प्रजातियां माइग्रेट यानी कि प्रवास भी करती है। यह एक दिन में करीब 40 किलोमीटर का प्रवास करते हैं। यह बहुत ही अच्छे तैराक भी है, जो उत्तरी अमेरिका की तीसरी सबसे लंबी नदी यूकॉन को बहुत ही आसानी से पार करते हैं। रेनडियर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यहाँ तक कि इसका बच्चा भी जन्म के कुछ ही घंटों में इतनी रफ्तार हासिल कर लेता है। यह हमेशा 10 से ज्यादा के झुंड में ही पाए जाते हैं, और कभी कभी माइग्रेशन के वक्त उसका झुंड 50,000 से भी ज्यादा हो जाता है। यह अक्सर सर्दियों के दौरान भोजन की तलाश में 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा प्रवास करते हैं। गोल्डन ईगल इसके नवजात शिशुओं का शिकार करती है। रेनडियर हिरण की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसको पालतू बनाया जाता है और इसका दूध पिया जाता है। जंगल में रेनडियर का औसतन जीवन काल 15 साल है, वहीं इंसानों द्वारा पालतू बनाए गए जानवर 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। रेनडियर के दुश्मन में माउंटेन लायन, वॉल्फ, आर्कटिक फॉक्स, ब्राउन बियर्स और गोल्डन ईगल का समावेश होता है। यह अपने जीवन का करीब 40% समय सिर्फ बर्फ में ही बिताते हैं। तो यह थी कुछ जानकारी खूबसूरत हिरण की प्रजाति कैरिबू के बारे में। क्या आपने पहले इस हिरण के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताना। यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।